हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानकारी जॉब की यूट्यूब चैनल। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी की तरफ से यहाँ पे बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट हो रहा है, जिसके पोस्ट जो है तो यहाँ पे स्कूल टीचर का पोस्ट है। तो इसमें अलग अगर बात करें तो लगभग 70,000 पोस्ट है, 70,000 पोस्ट है टीचर पोस्ट के लिए यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट है। अगर बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी या फिर अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 750 रुपीज़ फी है, और बायोमेट्रिक फीस रहेगी यहाँ पे 200 रुपीज़। और जो कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं, जिसमें हम SC ST या फिर फिजिकली डिसेबल्ड या फिर अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट्स, तो इनके लिए भी यहाँ पे 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है। जो एप्लीकेशन फीस है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना है, तो इसके लिए आप क्रेडिट, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग जैसे मोड में आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर बात करें डेट्स की, तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 5 नवंबर से। 5 नवंबर से यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और अगर बात करें लास्ट डेट की, तो यहाँ पे लास्ट डेट है 14 नवंबर। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे डेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे एप्लीकेशंस 10 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 5 नवंबर से, और रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट है 14th। और एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए यहाँ पे 10 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, कल से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट की बात करें तो 25 नवंबर। तो 25th नवंबर लास्ट डेट है यहाँ पे, उससे पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। अगर बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पे प्राइमरी टीचर के लिए कम से कम 18 साल एज होना चाहिए, और PGT या फिर TGT, जिसको हम प्राइमरी या फिर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं, तो इसके लिए 21 ईयर्स कम से कम एज होना चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 37 ईयर्स, और मैक्सिमम एज लिमिट फीमेल या फिर बैकवर्ड कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स है, और SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए 42 ईयर्स है। तो इसमें एज रिलैक्सेशन जो रहेगा वो एज पर दी गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से रहेगा। और अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए पोस्ट के हिसाब से। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो अलग अलग पोस्ट है यहाँ पे। तो उसमें फर्स्ट जो पोस्ट है वो है प्राइमरी टीचर, जिसके लिए स्टैंडर्ड 6 to 8 के लिए यहाँ पे टीचिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए वैकेंसीज अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 40 to 50% वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए है। तो इसमें बहुत बड़ा नंबर है, 31,982, तो लगभग 32,000 यहाँ पे पोस्ट है। और इसमें आप क्वालिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पे आपका DED, BED, BLED, BA BED, BSc BED या फिर MED, ऐसा कोई भी अगर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर नेक्स्ट पोस्ट देखा जाए तो सेकेंडरी टीचर, तो क्लास 9 से लेके क्लास 10 तक यहाँ पे टीचिंग करना पड़ेगा, सेकेंडरी टीचर पोस्ट है। तो इसमें भी देखा जाए तो 20,000 तक यहाँ पे आपको नंबर दिख जाएगा, तो 19,395 इतना वैकेंसी है। तो इसमें भी BED, MED, BSc ED, BED, BA ED, ओके, ऐसे अलग अलग जो क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो क्लास 11th और 12th के लिए यहाँ पे, तो इसमें भी पोस्ट देखा जाए तो 20,000 तक आपको नंबर दिख जाएगा, 18,980। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा नंबर है। तो इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है जैसे कि सेकेंडरी टीचर के लिए है। और लास्ट जो पोस्ट है प्रिंसिपल, तो यहाँ पे 31 पोस्ट यहाँ पे है। तो इसके लिए भी एजुकेशन सेक्टर का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। अगर बात करें इम्पोर्टेंट लिंक्स की, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक पे यहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे,
नोटिफिकेशन अगर आपको डिटेल देखना है तो आप सेकंड लिंक रेफर कर सकते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो ये भी यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया हुआ है, तो आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बहुत बड़ा यहाँ पे चांस है, बहुत बड़ा यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है, लगभग 70,000 पोस्ट है यहाँ पे टीचर, एजुकेशन सेक्टर में टीचर पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेबल है, जो भी एलिजिबल है, वो यहाँ पे जरूर अप्लाई करें, और हम आशा करते हैं कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन भी हो जाए। तो ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जरूर बने रहिए, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।